यूपी के महाराजगंज जिले में अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए चार अभिव्यक्तों को 8 बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के अरनहनवा मोड़ पर चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता मिली। पूछताछ के दौरान अभिव्यक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने बाइक को बरामद कर कब्जे में ले लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक कट्टा, 2 चाकू समेत एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर क्षेत्र के अहरनवा मोड़ पर पहुंची। यहां पुलिस टीम मिली सूचना के आधार पर सतर्कता के साथ निगरानी में लगी हुई थी। तभी अहरनवा मोड़ के स्पीड ब्रेकर के पास 4 बाइक सवार गाड़ी की गति को धीमी की। इसी बीच पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इसके बाद जांच पड़ताल की गई तो उनके पास एक कट्टा, 2 चाकू समेत एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस टीम ने उन्हें पकड़कर कोतवाली जेल में डाल दिया है, जहां से पूछताछ के बाद पता चला कि गोरखपुर, इलाहाबाद समेत अन्य जनपदों से बाइक चुरा कर ये लोग बेच देते थे। इनकी निशानदेही पर 4 बाइक बरामद हुई है, साथ ही इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। एसपी आरपी सिंह ने मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस टीम को 5,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की, साथ ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। देखिए ये रिपोर्ट। सूचना मिलने पर कि कुछ लोग अंतर जनपदीय वाहन चोर यहाँ पर हैं, सुराग रसी पता रसी और अब सूचना संकलन के आधार पर 4 लोगों को पकड़ा गया और उनसे 8 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई। सुनील सरोज जो महुआईमा इलाहाबाद का रहने वाला है, यह इस गिरोह का सरगना है। जो 3 अन्य लोग जो कोठीभार थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं, इनके साथ मिलकर के मोटरसाइकिलें चुराता था और उन्हें विभिन्न स्थानों पर बेचता था। इसमें बरामद 8 मोटरसाइकिलों में से 4 जनपद की चोरी की मोटरसाइकिलें हैं और 4 अन्य के विषय में पता लगाया जा रहा है। मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद उनकी नंबर प्लेट चेंज कर देते थे और इंजन नंबर 33 नंबर से भी छेड़छाड़ करते थे। इन 4ों की गिरफ्तारी के बाद कुछ और तथ्य प्रकाश में आया है, अंतर विवेचना जारी है। फिर चोरी का मोटरसाइकिल सर ये नेपाल में बेचा करते थे क्या? जी, नेपाल में भी बेचा करते थे चोरी की मोटरसाइकिल? विभिन्न जगह बेचते थे, यहाँ भी बेचते थे, नेपाल में भी बेचते थे, अन्य जनपदों में भी बेचते थे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए महाराजगंज से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।